हेलीकॉप्टर हादसे में ताज नगरी का बेटा शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ निधन। वायुसेना के जाबाज पायलट थे पृथ्वी सिंह। 23 दिसंबर को काशी जाएंगे पीएम मोदी, काशी को देंगे करोड़ों की सौगात, तैयारियों में जुटा प्रशासन। केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, कहा सपा बसपा निराश, सेना के सेनापति, 2022 चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। जौनपुर में दो पक्षों में हुई मारपीट, मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु में कुन्नूर के हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया। वहीं उस हादसे में ही ताज नगरी के पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान एक जाबाज पायलट थे जो कि इस हादसे के समय हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के दयाल बाग के सरन नगर के रहने वाले थे और उनकी तैनाती कोयम्बटूर के पास वायुसेना स्टेशन में की गई थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि कल जो तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत तो इस हादसे में उनका निधन हो गया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें पृथ्वी सिंह चौहान जाबाज पायलट थे जो आगरा के रहने वाले थे, वो भी इस पूरे हादसे में शहीद हो गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 23 दिसंबर को काशी पहुंचेंगे। इस दौरे में वो काशीवासियों को 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसमें सिर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर में बने लंगर हॉल को भी श्रद्धालुओं को समर्पित वो करेंगे। आपको बता दें इसके अलावा 6 वार्डों में होने वाले कार्यों के साथ ही लहर तारा से मोहन सराय तक 4 लेन सड़क का भी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वो सर्ववेद मंदिर उमराहा में भी जाएंगे जहाँ वो काशी समेत पूर्वांचल के किसानों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। आपको बता दें संत रविदास मंदिर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी लंगर हॉल भी बन रहा है। तो ऐसे में काशी को भी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 23 दिसंबर को काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे जहां पर करोड़ों की सौगात काशीवासियों को वो देंगे। सहारनपुर के मानत मऊ ग्राउंड में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने परियोजनाओं के शिलान्यास के बहाने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस, सपा बसपा और लोक दल पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टियां हताश और निराश सेना के सेनापति बने घूम रहे हैं। उनको पता है कि 2014, 2017 और 2019 हार चुके हैं और 2022 भी वो हारने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने बूथ को जीतेंगे तो विधानसभा चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। उन्होंने सहारनपुर की तो विधानसभा चुनाव को जीतने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं को दिलाया है। तो ऐसे में आपको बता दें लगातार विकास कार्य बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें सहारनपुर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 2022 में अपनी जीत का दावा किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष पर भी जोरदार हमला केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा किया है। वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि ऑनलाइन कंपनियों की बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके उनका साथ दीजिएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतिगत अव्यवस्था की वजह से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक और दुकानदार अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर हो गए हैं और ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कंपनियों की बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करें। तो एक बार फिर से आपको बता दें वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं। छोटे दुकानदारों से खरीदारी करने के लिए उन्होंने कहा और फिर से एक बार अपनी ही सरकार को वरुण गांधी घेरते हुए नजर आए।
बलरामपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां इस लापरवाही के चलते एक लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि विकास खंड बुजुर्ग के भरथापुर में लाइनमैन बिजली की लाइन ठीक कर रहा था, वहीं इसी बीच अचानक लाइन में बिजली आने से संविदा कर्मी लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बलरामपुर की, जहां पर ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से पूरा हादसा हुआ है। लाइन ठीक करते समय लाइनमैन की मौत हो गई है। बलरामपुर में प्रशासन जहां लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर ओवरलोडेड वाहनों की भी भरमार है। वहीं इन ओवरलोडेड वाहनों को सड़क पर देखकर ऐसा लगता है जैसे कि प्रशासन यहां आंखें मूंदे बैठा है। वहीं इन वाहनों के चलते सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी बनने लगी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये बलरामपुर की, जहां पर सड़क पर किस तरह से ओवरलोडेड वाहन ट्रक चल रहे हैं वो देख सकते हैं, और इस वजह से शहर में इलाके में जगह जगह पर जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है, जिस वजह से लोगों को पूरी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां प्रदेश सरकार ने महिलाओं पर हो रहे अपराध पर तुरंत कार्रवाई करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के इन आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। ताज़ा मामला बस्ती जिले का है, जहां महिला से एक बदमाश ने रेप की कोशिश की। वहीं मामले में शिकायत करने पर पुलिस ने मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की, साथ ही महिला पर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो बस्ती का ये पूरा मामला है, जहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस पर इस मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा। दरअसल जहाँ प्रशासन से लेकर शासन तक महिलाओं के सुरक्षा के लाख दावे लाख वादे करते हैं, तो वहीं महिला किस तरह से प्रदेश में परेशान है ये भी इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल पुलिस की बात करें तो पुलिस पर ही आरोप लग रहा है कि पुलिस महिला पर दबाव बना रही है कि वो इस पूरे मामले को रफा दफा कर दे। दूसरी तरफ अगर आपको बता दें कि सरकार के आदेशों की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर महिला से एक बदमाश ने, एक अपराधी ने रेप की घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद उसकी शिकायत करने पर पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, साथ ही महिला पर भी दबाव बनाया। दी गई है जिसमें ये बात बताई जा रही है कि किसी महिला के साथ में कोई अपराध हुआ है, जो परसरामपुर थाने पर गई थी और वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस संबंध में मैंने सीओ हरैया को जांच दी है। बाद जांच यदि एसएचओ परसरामपुर के द्वारा इसमें कोई लापरवाही बरती गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और महिला को न्याय मिलेगा। खबर गाजीपुर से है, जहां एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मामले में इसोपुर निवासी योगेंद्र यादव ने सरकारी नाली को नापने के लिए काफ़ी दिनों पहले सैदपुर तहसील में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन लेखपाल नापी के लिए 20,000 रुपये मांग रहा था, जिसकी पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को इसकी शिकायत की, जिसके बाद टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तो गाजीपुर का ये पूरा मामला है, जहाँ पर घूस लेते हुए लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन टीम ने ये गिरफ्तारी की है। दरअसल लेखपाल की तरफ से घूस मांगी गई थी, जिसके बाद शिकायत करने पर एंटी करप्शन टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई और अलर्ट होते हुए लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी नाली की पैमाइश और अतिक्रमण हटवाने के नाम पर जो है हटवाने के लिए जो है जिलाधिकारी सैदपुर गाजीपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर एसडीएम महोदय द्वारा राजस्व निरीक्षक और एसओ नंदगंज को संयुक्त रूप से निस्तारण करने हेतु जो है निर्देशित किया गया था। हमीरपुर जनपद में मझगवा थाना क्षेत्र में नौरंगा गांव में घर के बाहर चौराहे पर बैठे एक बुजुर्ग की गले लगने से बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए बुजुर्ग को राठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है।
तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है, गले लगाने से बिगड़ी तबीयत, और ऐसे में आपको बता दें कि अस्पताल जाते जाते बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना हुई है कि मतलब जैसे घास लेकर के आए, बकरी को दे दिया, देने के बाद में पिताजी मेरे जैसे सब लोग बैठते हैं चौराहे पे, ऐसे बैठ गए अपने सबके साथ में, वो नरेश लम्बादार आया, उसने ऐसे बफे आया और दबा दिया, तो उल्टी सांस चलने लगी, तो छोड़ दिया। फिर इसके बाद में मतलब जैसे यहाँ से निकल के गए और दूसरी जगह बैठाने लगे तो उल्टी सुलटी आने लगी, तो उल्टी आने बोले मुझे दबा दिया, ये हुआ हुआ सो मतलब मैंने सटाई करी और देखो पानी रहो तना मनक पीओ, बोले नहीं पीने, उल्टी सी आ रही। मैनपुरी में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की मौत का कारण आवारा पशु थे। वहीं इस हादसे में महिला का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि महिला बाइक से जा रही थी, इसी बीच जानवर सड़क पर आ गया जिससे कि हादसा पूरा हो गया। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मैनपुरी का ये मामला है जहाँ पर आपको बता दें सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। दरअसल आवारा पशु जो हैं सड़कों पर इसी तरह घूमते हैं, जिस वजह से इस तरह के हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं। और बाइक से महिला जा रही थी जिस दौरान सामने आवारा पशु आने की वजह से पूरा हादसा हो गया और महिला की जान चली गई। मथुरा में राया कस्बा के नागल रोड पर नशे का कारोबार करने वाले लोगों से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में स्थानीय निवासियों ने कस्बा प्रभारी चमन कुमार शर्मा और थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो मथुरा का पूरा मामला है जहाँ पर आपको बता दें नशे के कारोबारियों से स्थानीय लोग जो हैं वो परेशान हैं और पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ये दो यहाँ पूरे दिन नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है और वो झगड़ते हैं और यहाँ पे परिवार रहते हैं तो ये बद्दी बद्दी गालियाँ भी देते हैं यहाँ पे परिवारों को रोड पे खड़े होकर के। तो यहाँ पे दो लड़के आपस में मतलब जो झगड़ रहे थे, हमने कहा तो वो बद्दी बद्दी गालियाँ देने लगे और उन्होंने जब उनसे ज़्यादा हमने कहा कि भाई यहाँ से भागो तुम, तो उन्होंने ईंट बारिश कर दी जिससे मेरे पैर में लगी है एक ईंट। कौन लोग हैं ये? हैं मोमडन लोग हैं, ये नशेड़ी हैं। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और इस मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठीडंडी चली, जिसमें दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो जौनपुर का ये पूरा मामला है जहां पर आपको बता दें दो पक्षों में पूरा विवाद हो गया और धीरे धीरे ये पूरा विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सभी का इलाज चल रहा है। मथुरा के वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का मंच भारतीय संगीत जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास ने अपनी सुर साधना से संगीत के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव में शिरकत करने पहुंची पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि स्वामी हरिदास के आराध्य बिहारी जी के प्रकाट उत्सव पर उनकी पवित्र स्थली में गायन का उन्हें मौका मिला है। तो मथुरा में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से स्वामी हरिदास संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर मालिनी अवस्थी भी पहुंची और साथ ही उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस महोत्सव में शामिल होने का मौका मिला। पीलीभीत में एक और घूसखोरी की वारदात सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में जेईई घूसखोरी कर रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि ये घूसखोर लाभार्थियों से हजारों रुपए की रिश्वत ले रहा है और इस घूसखोर जेईई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये घूसखोरी का पूरा वीडियो जो है बना लिया गया और इसे
कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभार्थियों से ये जेई जो है वो पैसे ले रहा है और हजारों रुपए लाभार्थियों से लिए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, घूसखोरी का ये वीडियो किसी ने वहां पर बना लिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरा नाम संजीव कश्यप, वार्ड नंबर 9 बरखेड़ा, और मेरे से 5,000 रुपये पहले लिए नक्शे के नाम पे, उसके बाद में 10,000 रुपये दूसरी किस्त पे बोले आपका पेमेंट रुकवा देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ। किसने लिए? नाजिम ने, नजम। किस बात के लिए? बोले क्या कहते हैं, आपका आवास हमने पास करवाया है किसी के। अगर आप नहीं देते तो कह रहे थे मैं आपका पेमेंट रुकवा देंगे और मतलब आगे किस्त नहीं कर देंगे। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, जेई का वीडियो घुसखोरी का वायरल हो रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि इस तरह के वीडियो इससे पहले भी आ चुके हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बताना चाहिए, पूरा मामला बरखेड़ा नगर पंचायत का है, जहाँ जो भ्रष्ट जो जेई है नजम, इसका बताया जा रहा है कि ये नगर पंचायत में जितने भी वार्ड आते हैं, इसमें जितने भी वार्डों में जो आवास योजना का जो लाभ दिलाया जा रहा है, उन आवासों प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार ये भ्रष्टाचार की जो है सेंध लगा रहा है। लगातार हर लाभार्थी से जो है मोटी रकम जो है इस पूरे मामले को लेकर वसूली जा रही है। वही जब इस पूरे मामले की जब जानकारी दूधा अधिकारी से ली, तो उन्होंने कैमरे से हटकर बताया कि हमने उस पर जो है कार्रवाई कर दी गई है, निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है नगर पंचायत बरखेड़ा से, वो ये जानकारी ये मिल रही है कि लगातार वो पिछले 2 दिन से जो है छुट्टी में चल रहा है और अपनी हाजिरी वो लगातार लगा रहा है। वही कहीं ना कहीं जो है जो दूधा अधिकारी है अनामिका, उन्होंने जो है मीडिया को जो है यहाँ पर गुमराह करने का काम किया और लगातार उसके ऊपर जो है अभी तक जो है निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है। जी, चलिए ठीक है प्रांजल, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीलीभीत का पूरा मामला है, जहां पर घूसखोर जेई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों से ये जेई इसी तरह से हजारों रुपए पहले से ही लेता आ रहा है। एटा में धरना स्थल पर लंबे समय से आशाओं ने धरना आंदोलन किया है, जहां आशाओं की मांगों को लेकर 9 दिन से आशाओं का मेला लगा हुआ है। आशाओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार निकम्मी है और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। वहीं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने धरना स्थल पर जाकर आशाओं से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा आशाओं ने, आप भी सुनिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंच चुकी है धरना स्थल पर और बात करेगी उन आशाओं से कि किस मांग को लेकर ये धरना पे लंबे समय से बैठे हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर। मेरे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा। आज आप धरना स्थल पर लंबे समय धरना दिया हुआ है, किस बात को लेकर धरना दिया हुआ है? हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, हमें 2,000 रुपये नहीं चाहिए, हमारा मुफ्त वेतन 18,000 रुपया होना चाहिए। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं सरकार सुनती है, तब तक हम यहीं पर ईंट से ईंट बजा के रहेंगे और हम आंदोलन करते रहेंगे, रात और दिन एक कर देंगे। हम आशा मैंने यहाँ तो लगता है कि प्रदेश सरकार का चुनाव है, चुनाव नजदीक आते आपकी मांगों को प्रदेश सरकार मान करेगी? क्यों नहीं करेगी, हम काम का बहिष्कार करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, सरकार को हिला देंगे, मतदान का भी बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं होने देंगे। क्या लगता है आप इतने लंबे समय से धरना पर बैठी हैं, कुछ अधिकारी आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आए? कोई भी SDM साहब आए थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया कि तुम्हारी मांगों को पूरा सरकार कुछ न कुछ तुम्हारे लिए करेगी और यहाँ से उठ जाओ, अपना काम करो। मैं सर्च काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी मांगे मान नहीं होती है तब तक कुछ भी काम नहीं करेंगे। क्या लगता है कि आपके जनपद एटा में मुख्यमंत्री का दौरा है, कि आप लोग क्या कुछ अहम कदम उठाएंगे उसको लेकर? नहीं, बिल्कुल उठाऊंगी। क्या कुछ आपकी महत्वपूर्ण मांगे हैं जिसको लेकर आप लंबे समय से बैठे हैं, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक आप यहाँ से नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे, 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक हो जाए नहीं उठेंगे, भूखे प्यासे यहीं मर जाएंगे, हम घर पे नहीं रात को भी रुकते हैं। आपको आपकी मांगे कब तक पूरी की जाएंगी? पता नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं करेंगे, मतदान का अभी बहिष्कार करेंगे, मोदी योगी जो कोई भी आएगा पहले तो हम आने से रोकेंगे और नहीं रुकते हैं तो उनका बहिष्कार करेंगे। मैंने यह सुना आपका एक नारा और था कि नहीं मानेंगे राजी से और फिर देंगे कुराजी, ऐसा क्या कुछ लगता है, क्या कुछ आपका अल्टीमेटम रहेगा आगे?
अल्टीमेटम दे रहे हो, रोड जाम कर देंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम, रोड जाम करेंगे। और क्या है, हम ऐसे ही रहेंगे, आशा है कोई भी काम नहीं करेंगे, अपने ही अपनी ब्लॉक पे अपने अपने घर में बैठी यही धरना देती रहेंगी, उसका कोई भी काम नहीं करेंगे। लगातार कोरोना वैरियर के टाइम पे आपने बहुत सारी मेहनत करी, उसका फल आपको लगातार मतलब प्रदेश सरकार नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है। हम लोग कोरोना में हम लोगों को आगे कर दिया, हर वर्कर पीछे रहे। जब जब कोई भी योजना आती है तो को ही सरकार आगे करती है, क्यों करती है? जब आशाओं का पेट नहीं भर पाती है तो सरकार क्यों बनी? ऐसी सरकार को धिक्कार है। मैं भी नारा था कि सरकार निकम्मी है, क्या कुछ नारा था क्या? तो ये मेरा है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। निकम्मी क्या हमारी मांगों को नहीं सुन रही? आज हमें 5 दिन हो गए, हमें यहाँ चिल्लाते चले, न कोई अधिकारी आया, कहीं नेता आया, न कोई नहीं आया, हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे, ऐसे सुन रही है हमारा ये सरकार दर्द नहीं सुन रही है, क्योंकि इस सरकार को, इस सरकार की अगर महिला होती तो ये महिलाओं का दर्द समझती। आपसे एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी नहीं करते हैं, अगर आपका दर्द मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी 2022 में मुख्यमंत्री आपके वोट से बन सकते हैं? नहीं बनेंगे। जो सरकार निकम्मी है उसको अभी बदलनी है सरकार। अभी हमारी आशाओं से बात हुई, उनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को वो 1% भी वोट नहीं देंगे, और लंबे समय से यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, कुछ अधिकारी यहाँ पर अभी तक वार्ता करने के लिए नहीं आए, आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि आखिर इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं? मैं अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। क्या ये कुछ कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? अगर मेरी मांगों को नहीं सुना सरकार ने तो मैं अपनी ये पीपर पे अपनी यहाँ हत्या कर लेंगे, यहाँ अपने प्राण दे देंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि ये अब लोगों ने कह दिया कि धरना स्थल पर यही पीपल का पेड़ है, कुछ महिलाएं कुछ आशाएं यहाँ मरने तक की बात कर रही हैं। गंभीरता से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लेना चाहिए, प्रदेश सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। कैमरामैन रवाज के साथ आसिफ, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, एटा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।